हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे फील कर रहे हो आप सब लोग? कैसे हो सब? खैरियत? अच्छा, मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूँ, कंपैरिजन में हूँ, मोबाइल कंपैरिजन के अंदर। रियलमी एक्स टी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, और शाओमी रेडमी नोट 8 प्रो, ये आपको पता ही होगा, ये लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर ऑलरेडी। तो मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि टोटल कैसा इसमें स्पेसिफिकेशंस है, क्या है इसका, कैसा रहने वाला है, आपको कैसा लगेगा, और कैसा आपको किस हिसाब से आपको फ़ोन चूज़ करना है, कौन सा फ़ोन फास्ट है, कौन सा स्लो है, उसको आपके सब जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। चलो चलते हैं। रियलमी एक्स टी 87/100 का स्कोर आता है, शॉमी नोट 8 प्रो 83/100 का स्कोर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रियलमी एक्स टी के बारे में बात करेंगे और शॉमी के बारे में बात करेंगे, तो दोनों के अंदर हम लोग को एंड्रॉयड 9 पाई मिलता है। और उसके बाद में हम लोग अगर फास्ट सीपीयू की अगर बात करते हैं, तो सीपीयू के अंदर 2.3 GHz रियलमी एक्स टी को मिलता है और शॉमी के अंदर मिलता है 2.05 GHz। अभी हम लोग बात करते हैं रैम के बारे में बात करेंगे, तो रैम के अंदर हमारे यहाँ शॉमी के पास हमारे पास है 4 GB रैम, 6 GB रैम और 8 GB रैम, और रियलमी एक्स टी हमारे पास है 8 GB रैम, 6 GB रैम का वेरियंट। कोई और अभी आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अराउंड 32% मोर रैम देन शॉमी रेडमी नोट 8 प्रो, ये जो है हमारे रियलमी एक्स टी के अंदर है, रैम ज़्यादा है इसके अंदर, ये ऐसा कह रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। उसके अंदर भी सेम कैपेसिटी की रैम है, रैम के अंदर दोनों मामले में दोनों सेम है। एस फ्रंट कैमरा फ्लैश, हाँ एक बात निकल के सामने आ रही है, रियलमी एक्स टी के अंदर फ्रंट फ्लैश कैमरा होगा और शॉमी के अंदर नहीं होगा। स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो 128 GB स्टोरेज हमको रियल मी एक्स टी के अंदर मिलेगा, 256 GB रैम के अंदर, 256 GB रोम भी मिलेगा रियल मी एक्स टी के अंदर, सेम कैपेसिटी हमको शॉमी के अंदर भी मिलेगा। अगर फ्रंट कैमरा रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो रियल मी एक्स टी के अंदर हमको मिलेगा 16 MP और रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर मिलेगा 20 MP। और सपोर्ट FM की बात करेंगे तो अगर रियलमी एक्स टी के अंदर कोई FM सपोर्ट नहीं करेगा, ये बैड न्यूज़ है उन सब के लिए जो FM को ज़्यादा पसंद करते हैं, और रियलमी एक्स टी के अंदर ये FM सपोर्ट नहीं करता, शॉमी के अंदर सपोर्ट करता है। बैटरी की अगर बात करेंगे तो बैटरी के अंदर 4000 mAh की बैटरी मिलेगी रियलमी एक्स टी के अंदर, शॉमी के अंदर हमको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी में, यहाँ शॉमी ने रियलमी को मात दे दी। और हम लोग अगर चलते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन के अंदर, रियलमी एक्स टी ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है और शॉमी भी ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है, ड्यूअल सिम दोनों सपोर्ट करते हैं, नैनो सिम भी दोनों सपोर्ट करते हैं, स्मार्टफोन दोनों ही हैं। फ्लैगशिप फ़ोन की कंपैरिजन में अगर ये फ़ोन अगर कंपेयर करते हैं तो ये फ्लैगशिप फ़ोन को मात दे सकते हैं। रिलीज़ डेट यहाँ पे दिखा रहा है सितंबर 21, 2019, लेकिन रियलमी एक्स टी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। शॉमी रेडमी नोट 8 प्रो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है 29 अगस्त, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर, देखते हैं इंडिया के अंदर कभी आता है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे 161.3 × 76.4 × 8.8 mm रियलमी शॉमी नोट 8 प्रो का है, और वेट की अगर बात करेंगे तो 199 ग्राम का वेट है। डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले है रियलमी एक्स टी के अंदर, शॉमी के अंदर IPS LCD स्क्रीन है, तो ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा शॉमी को, क्योंकि रियलमी यहाँ पे मात दे देगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। एस्पेक्ट रेशो अगर 19.5/9, यह है रियलमी एक्स टी, दोनों का एस्पेक्ट रेशो दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.6% आ रहा है रियलमी एक्स टी का, और शॉमी का आ रहा है 91.4%, यहाँ में शॉमी ने रियलमी को मात दे दी। और फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन बोथ फ्रंट एंड बैक में मिलेगा यहाँ पे शॉमी के अंदर, रियलमी एक्स टी का यहाँ पे अभी तक तो कोई निकल के नहीं आया है कि कौन सा है, जल्दी आपको पता चल जाएगा। दोनों में वाटर ड्रॉप नॉच मिलेंगे ये कन्फर्म है। रैम के अंदर हम बात करते हैं तो 8 GB रैम, 6 GB रैम, 4 GB रैम तो ये मिल रहा है यहाँ पे रियलमी एक्स टी के अंदर, मैक्सिमम 8 GB रैम मिलेगा, 6 GB रैम मिलेगा, 4 GB रैम, तीन वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है मोबाइल। स्टोरेज में आपको मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि रियलमी एक्स टी 128
जीबी ये मिड रेंज वाला है, 256 GB वाला भी है जो आगे चल के मिलेगा। रैम और स्टोरेज के अंदर दोनों के फ़ोन के अंदर दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कार्ड स्लॉट 256 GB तक जा सकता है रियलमी XT के अंदर, इसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है शॉमी के अंदर, जो भी 256 GB तक जा सकता है। इसका मतलब यह है कि दोनों सेम कैपेसिटी का है। GPRS की अगर बात करेंगे, दोनों में GPRS सपोर्ट करता है, एज सपोर्ट करता है, 3G सपोर्ट करता है, 4G सपोर्ट करता है, वोल्ट सपोर्ट करता है, वाईफाई सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ भी दोनों के अंदर है, USB दोनों के अंदर है, USB फीचर्स दोनों के अंदर है, और IR ब्लास्टर रियलमी XT के अंदर नहीं है, शॉमी के अंदर है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे आगे रियलमी XT के अंदर AGPS दोनों का सपोर्ट करता है, इन डिस्प्ले सपोर्ट करता है। रियलमी XT के अंदर इन डिस्प्ले सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, और शॉमी के अंदर रियर सेंसर है। फेस अनलॉक की अगर बात करते हैं तो दोनों में फेस अनलॉक है। सेंसर्स की अगर बात करते हैं तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सपेरिमेंट सेंसर, कंपास सेंसर, गायरोस्कोप सेंसर, ये सारा कुछ रियलमी XT के अंदर है। और एक्सेलेरोमीटर सेंसर, गायरोस्कोप और कैंपस, ये सिर्फ तीन सेंसर शॉमी के अंदर हमको मिलेंगे। हेडफोन जैक दोनों के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्प्लैश रेजिस्ट ये है रियलमी XT के अंदर, शॉमी के अंदर नहीं है। UFS 2.1 का इसको रेशो मिला हुआ है। अगर रियर कैमरा की हम लोग बात करते हैं, रियलमी XT के अंदर 64 मेगापिक्सल का f/1.7 मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल f/2.25 अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल f/2.4 पोर्ट्रेट, और 2 मेगापिक्सल f/2.4 अल्ट्रा मैक्रो एंड ऑटो फोकस, ये आपको मिलेगा रियलमी XT के अंदर। और शॉमी के अंदर 64 मेगापिक्सल /1.7822 के कैमरा सेम है, उसकी सिर्फ फ़र्क यह है इसके अंदर अल्ट्रा मैक्रो ऑटो फोकस जो लिया हुआ है रियलमी XT के अंदर। तो कैमरे के मामले में दोनों सेम मोबाइल्स हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। फीचर्स की अगर बात करेंगे तो डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, सब कुछ ये सारा सेम है दोनों के अंदर। वीडियो रिकॉर्डिंग भी दोनों सेम है, कोई हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। फ्लैश के अंदर देखेंगे तो दोनों के अंदर LED फ्लैश दिया हुआ है। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल f/2 विथ फ्लैश मिल रहा है यहाँ पे रियलमी XT के अंदर। ये बड़ी कमाल की चीज़ होने वाली है, जो लोग फ्लैश को पसंद करते हैं पहले से वो लोग यही पसंद करेंगे। शॉमी रेडमी 8 Note 8 Pro के अंदर हमको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा फ्रंट, लेकिन विदाउट LED फ्लैश मिलेगा। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम विद द शॉमी मोबाइल्स। फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो दोनों भी 30 FPS FHD के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बात करेंगे, दोनों के अंदर एंड्रॉयड पाई है 9 चिपसेट की अगर बात करें, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट रियलमी XT का है। और शॉमी रेडमी नोट 8 प्रो का बात करेंगे तो मीडिया टेक हेलियो G902, ये थोड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपको सबसे पता चल जाएगा। सारा मैंने स्पेसिफिकेशन देने की बात करी है तो मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन दूंगा। CPU के अगर हम लोग बात करते हैं तो रियलमी XT 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, शॉमी रेडमी नोट 8 प्रो 2.05 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मिलेगा। और कोर की अगर डिटेल की बात करेंगे तो 2.3 GHz डुअल कोर कायरो 360 प्लस 1.7 GHz एक्सा कोर कायरो 360 ये मिलेगा हमको रियलमी XT के अंदर। और शॉमी के अंदर 2.0 GHz मिलेगा, मतलब 2 GHz समझ लो आप सीधा सीधा। तो GPU के अंदर बात करेंगे तो हमें Adreno 616 का GPU मिल रहा है, जावा किसी में सपोर्ट नहीं करता है, एक्सेल फाइल दोनों में चलेगी, PDF दोनों में चलेगी, ईमेल वेल सब ये सब दोनों में चलेगा। लेकिन रेडियो के अंदर शॉमी मात दे दिया है रियलमी XT को, रेडियो सपोर्ट नहीं करता रियलमी XT। दिस इज़ अ बिग बैकफुट टू द रियलमी XT, शॉमी ने यहाँ पे मात दी है। अभी देखते हैं दोनों के अंदर कुछ कमी ज़्यादा है, चलते रहता है ये सब कुछ। अभी बैटरी के अंदर जो हम लोग बात करते थे, दोनों नॉन रिव्यूल बैटरी है। और बैटरी साइज़ कमाल की बात यह है, बैटरी साइज़ के अंदर शॉमी ने मात दे दी है कम्प्लीटली।
यहाँ पे रेडमी शॉमी ने रियलमी XT को मात दे दी है। रियलमी XT के अंदर 4000 mAh लिथियम आयन बैटरी मिलती है और शॉमी रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि लिथियम पो बैटरी होगी जो कि बहुत फास्ट होती है। और एक बात, रियलमी XT के अंदर VOCC 3.0 का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और शॉमी के अंदर 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, मोबाइल सही से चूज़ करना।